My precious friend, मेरे प्यारे मित्रों, today the Lord told me that He is going to pour His blessings upon you. आज परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वो आपके ऊपर अपनी आशीषों को उंडेलने जा रहा है. In Numbers chapter 6 and verse 23 and 24. गिनती 6, 23 और 24 में ऐसा लिखा है. When God looked at the people of Israel. जब परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को देखा, He saw them, they were a multitude. और उसने देखा कि ये बड़ी भीड़ इनकी है. He saw that they were a multitude. परमेश्वर ने देखा कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है. And he was moved over every one of them. और फिर उन्हें देखकर परमेश्वर की दया हर एक के ऊपर आई. And he called Moses. और तब उसने मूसा को बुलाया. And he said, Moses. और कहा, मूसा, I want you to write down this blessing which should be pronounced upon all these my people. मैं चाहता हूं कि तू उन आशीषों को लिख ले जो मैं अपने लोगों के लिए कहने पर हूं, बोलने पर हूं. Aaron should pronounce this blessing upon my people every time he comes into my presence. और हारून जो है वो मेरे लोगों पर हर समय जब कभी वो मेरी उपस्थिति में आएगा, मेरे लोगों के लिए ये आशीष बोल कर बताएगा. Yes, my friend. हाँ, मेरे मित्रों. The heart of God is to pronounce a blessing upon every one of His children. परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो अपनी हर एक संतानों पर अपनी आशीषों को घोषित करे, कह के बताए. More than you are anxious to receive your miracle. जितनी ज्यादा चाहत आप अपने चमत्कार के पाने के प्रति आपके अंदर है, Jesus is anxious to pronounce His miracles and blessings upon you. उससे कहीं बढ़कर यीशु मसीह तैयार है अपनी आशीषें और अपने चमत्कार को आप पर देने के लिए. In Numbers 6:24. और गिनती की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के 24वें वचन में Moses, परमेश्वर ने कहा, मूसा, pronounce this upon my people. और ये आशीषों के द्वारा तू मेरे लोगों को आशीर्वादित कर. The Lord bless you. परमेश्वर तुम्हें आशीष दे. The Lord bless you. परमेश्वर तुम्हें आशीष दे. The Lord bless you. परमेश्वर तुम्हें आशीष दे. And keep you blessed. और तुम्हें आशीष में बनाए रखे. The Lord bless you and keep you. और परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे. That is the blessing God is going to put upon all of us tonight. आज की रात यही वो आशीष है जो परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन पर डालने पर है. Many years ago, कई साल पहले, as the pharaohs, the king of the Egyptians would die, और फिरौन जो मिस्र का राजा था वो मरा, they would be mummified. तो उसके मरने के बाद उसकी लाश को वो सुखा देते थे. Or their bodies would be embalmed so that the bodies would be preserved and it would not rot away. ऐसा होता था उस समय कि राजा के मरने पर उसके मरे हुए शरीर में मसाले डालकर उसे सुखा दिया जाता था ताकि उसकी याद कम न हो, वो हमेशा उस रूप में रहे. After doing the embalming, और इस तरह से उसका जो है शरीर सुखा देने के बाद, before the burial, उसको गाड़ने से पहले, they would take both the arms of the king who is dead. तो वे ऐसा किया करते थे कि मरे हुए राजा के जो दोनों हाथ होते थे वो इस तरह से रखते थे, and put it upon their chest. और वो दोनों हाथ राजा की छाती पर रखते थे, put it upon his chest. और उस राजा की अपनी छाती पर रख देते थे, and cover the chest. और उसकी छाती को ढांक देते थे, and then only bury them in that fashion. और इसी रीति से इसी में उसको गाड़ दिया करते थे. You know why they would put their both their hands upon their chest? क्या आपको पता है मरे हुए राजा के हाथ उनके उसकी छाती पर रखकर उसे क्यों गाड़ते थे? It is because of the fear of those kings. और ये तो राजाओं के भय या डर की वजह से होता था. Those kings would have been mighty rulers when they were ruling. क्योंकि जब वो जिंदा थे, राज करते थे, तो ये ऐसे राजा हुआ करते थे जो कि बहुत ही शूरवीर होते थे या बहुत ही ताकतवर हुआ करते थे. But after their death, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात, everybody would put my dead body in the grave and go away. और हर एक व्यक्ति जो है वो मेरे मरे हुए शरीर को कब्र में डाल देगा और अपनी अपनी रास्ते चला जाएगा. I'd be all alone. और मैं बिल्कुल अकेला यहाँ रहूंगा. At that time, और उस समय Satan, the evil power, will come and steal my soul and take it away. और वो ऐसा मानते थे कि फिर शैतान या दुष्ट आत्माएं जो हैं, वो आएंगी और मेरे प्राणों को चुरा ले जाएंगी. So I am afraid. और इसलिए मैं डरा हुआ हूँ. So that Satan will not
take over my soul or take away my soul, cover my chest and bury me like that. और इसीलिए ताकि शैतान या दुष्ट आत्माएं मेरे प्राणों को चुरा न सकें या उस पर कब्जा न कर सकें, इसलिए मेरे हाथों को इस तरह से मेरी छाती पर रख कर मुझे गाड़ देना. Let my soul be protected with my hands. और राजा ऐसा कहा करते थे कि होने दो मेरे मरने के पश्चात मेरे हाथ मेरे प्राणों की रक्षा करें. So that the devil will not steal my soul. ताकि शैतान या दुष्ट आत्माएं मेरे प्राणों को चुरा न सकें. Is it possible? अब क्या ये संभव है? Whether you put your hand on your chest or not, the devil can still steal one soul. सच्चाई तो ये है कि भले आप अपना हाथ अपनी छाती पर रखें या नहीं रखें, शैतान फिर भी किसी के प्राणों को चुरा सकता है. They were afraid that their blessings will be taken away. वो डरा करते थे कि कहीं उनकी आशीषें उनसे चुरा न ली जाएं. They were afraid that their soul would be taken away. और उनको डर रहता था कि मरने के पश्चात उनके प्राण भी जो है कोई ले जाएगा. But God says, लेकिन परमेश्वर कहता है, My children, मेरे बच्चों, I want to bless you. मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ. And keep you blessed always. और हमेशा तुम्हें आशीषों में बनाए रखना चाहता हूँ. Keep you blessed in this world. और अगर तुम इस संसार में आशीषित होगे, and keep you blessed after you die also in heaven. तो मैं मृत्यु के पश्चात भी स्वर्ग में तुम्हें आशीष में ही बनाए रखूंगा. That is the love of God. और ये है परमेश्वर का प्यार. No devil can steal you away. कोई भी शैतान आपको किसी तरीके से चुरा नहीं सकता. No devil can steal your blessings in this. इस संसार में कोई शैतान आपकी आशीषों को चुरा नहीं सकता. No devil can steal you away from God. और कोई भी शैतान आपको परमेश्वर से चुरा नहीं सकता. This is the blessing which God gives. और ये वो आशीष है जो परमेश्वर देता है. This is the difference between the blessing of the world. और यही blessing of God. और यही अंतर है उन आशीषों में जो संसार की ओर से आती हैं, परमेश्वर की ओर से आने वाली आशीषों में यह अंतर है. The blessing which God gives can never be taken away from you in this world, nor when you die. जो आशीषें परमेश्वर की ओर से आती हैं, इस संसार में वो आशीषों को आपसे कोई चुरा नहीं सकता. मृत्यु के पश्चात भी वो आशीषें आपके साथ बनी रहेंगी. In Psalm 121 and verse 7. और भजन संहिता 121 और 7वें पद में. The Bible says the Lord will preserve your soul. बाइबल कहती है परमेश्वर आपके प्राणों की रक्षा करेगा. God himself will preserve your soul. परमेश्वर स्वयं आपके प्राणों की रक्षा करेगा. When he blesses your soul. और जब वो आपके प्राणों को आशीषित करता है. You are blessed in all things. तो आप सारी बातों में आशीष पाएंगे. That's why Jesus says, my child. यीशु मसीह कहता है मेरे बच्चे. I'm standing at the door of your heart and I am knocking. और मैं तेरे हृदय के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ. Open your heart. अपना हृदय तो खोल. And say, Jesus, come into my heart. और तू ये कह कि यीशु मसीह तू मेरे हृदय में आ जा. Come into my heart. मेरे हृदय में आ जा. I want God in my heart. मैं परमेश्वर को अपने हृदय में पाना चाहता हूँ. Come in. तू अंदर आ जा. All that you have to say is, come into my heart, Lord Jesus. बस आपको केवल इतना ही कहना है कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरे हृदय में आ जा. I will come into your soul. और फिर परमेश्वर कहता है मैं तेरे प्राणों में आऊंगा. Preserve your soul. और तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा. Fill it with blessings. आशीषों से उसे भर दूंगा. And the blessings will remain with you forever. As long as I live, your blessings will live. और वो आशीषें तुम्हारे पास हमेशा बनी रहेंगी. परमेश्वर कहता है जब तक मैं हूँ वो आशीषें तुम्हारे साथ रहेंगी. Deuteronomy 32:40 says. और व्यवस्था विवरण 32:40 कहता है. God lives forever. परमेश्वर अनंत काल तक जीवित रहेगा. Revelation 1:18 says. प्रकाशित वाक्य 1:18 कहता है. Jesus said I was dead. यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं मर गया था. But I am alive evermore. लेकिन अब मैं सदा के लिए जीवित हूँ. As long as I live. और जब तक मैं हूँ. You will live also. तब तक तुम भी जियोगे. My child, you will live. मेरे बच्चों तुम जियोगे. My daughter, you will live. मेरी बेटी तुम जियोगे. My son, you will live. मेरे बेटे तुम जियोगे. No devil can steal your soul. कोई शैतान तुम्हारे प्राणों को चुरा नहीं सकेगा. As I live in your soul. और जैसे मैं तुम्हारे प्राणों में रहूंगा. How many of you want Jesus to come and live in your soul tonight? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो आज की रात को चाहते हैं कि यीशु मसीह आकर आपके प्राणों में रहे. He's coming in right now. और वो अंदर आपके आ रहा है इसी right समय. Now, इसी समय right now, इसी समय wherever you are, आप जहां कहीं भी हैं, he is blessing you. वो आपको आशीष दे रहा Say, है. Jesus, और कहे यीशु come into my heart. मेरे हृदय में आ जा. come into my heart. मेरे हृदय में आ जा.
come into my soul. मेरे प्राणों में आ जा. I need you, Jesus. यीशु मुझे तेरी जरूरत है. Amen. 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 I see the name of a man called Amos. The evil powers have taken hold of you, Amos. Amos, दुष्टात्माओं ने आपके ऊपर कब्जा कर लिया है. Amos. Amos. God's hand is coming upon you. परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है. You have done enough evil. आपने बहुत सी बुराइयां की. Now turn to Jesus. अब आप यीशु मसीह की ओर मुड़ जाएं. Turn to Jesus. यीशु मसीह की ओर मुड़ जाएं. He will make you a mighty vessel of honor. और वो आपको एक आदर का महान पात्र बनाएगा. Return everything that you have taken unjustly. और जो कुछ आपने गैर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से लिया है, छीना है, लोगों को वापस लौटा दें. Get right with God. परमेश्वर से अपना संबंध सही कर लें. Get right with the people. और लोगों से अपने संबंध को सही कर लें. God wants to lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है. God's healing power will flow.